वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। आज किए गए प्रदर्शन के आह्वान पर भाकियू के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। किसान सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर मेरठ कमिश्नरी पर धरना देने पहुंचे, साथ ही अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे अरसे से किसान गन्ने की बढ़ोतरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ नलकूपों पर लगा रहे मीटर का भी वह लोग विरोध कर रहे हैं। आवारा पशुओं का भी कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जो फसलें खराब कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये धरना तो महज एक ट्रेलर है उस धरने का, जो मार्च महीने में दिल्ली में होने जा रहा है। देखिए धरने के दौरान किसानों का ऐलान। पंचायत होगी, हाँ पंचायत, चेहरे हिंद राकेश टिकैत की पंचायत होगी और ऐसी होगी दुनिया देखेगी। मेरा जिला का कमजोर प्रशासन भी अपना दिमाग ठीक कर लियो, पंचायत तक पंचायत वाले दिन हमारे मुद्दे खत्म हो जाने चाहिए, नहीं तो निश्चितकालीन धरना भी टिकेगा। फिर किसी सरकारी संगठन की पंचायत को दिक्कत होगी तो हमें ना कहियो, धरना देखने की भी ताकत है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसान यूनियन के नेताओं ने यह कहा, भाई मैं उत्तर प्रदेश महासचिव सतबीर जंगठी जी, धरने का मेन कारण है जी हाई कमान के आदेश थे पूरे प्रदेश में। आज डीएम का घेराव किया गया है, इसमें मेन मुद्दे थे आवारा पशुओं पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि प्रमुख सचिव ने बोल दिया अगले 30 मार्च तक पशुओं की व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन क्रियावान कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात, गन्ने का सीजन आधा से ज़्यादा दो हिस्से जा चुका, 2/3 गन्ने के पेमेंट पे सरकार का कोई कानों पर जू नहीं रह रही है। और तीसरी समस्या, जैसा अभी बताया इन्होंने, किड़ौनी 3-4 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका पिछले साल 10 मार्च तक कोई पेमेंट नहीं आया। अब ये बताइए दुकान पर किसी चीज़ को लेने चला जा, दुकानदार उधार नहीं देता, दुकानदार अपनी चीज़ के भाव तय करता है, किसान के भाव भी तय दूसरे करते हैं लोग बैठे, उसके पेमेंट की व्यवस्था भी दूसरे करते हैं। हाँ 10 तारीख का आह्वान किया गया है जी, 20 तारीख को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, हमारे 24 साल मुजफ्फरनगर जो हमारा 14 दिन धरना चला उसमें घोषणा कर दी गई है 20 तारीख को दिल्ली को घेरा जाएगा। टिकैत महाराज के द्वारा जो है उनके पदाधिकारियों द्वारा एक मांग पत्र दिया गया है जिसमें कुल जो है किसानों से संबंधित मांगे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है, वहाँ भेजा जाएगा और यहाँ किसानों की जो लोकल समस्याएं हैं हम लोगों ने उनको विधिवत सुना और संबंधित अधिकारियों को फोन से बताया गया कि इनका जो जल्द से जल्द निस्तारण करें। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।